नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम एक आज ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो देश भर में नहीं दुनिया भर में सब जगह पर चर्चा में है, और ये मुद्दा ऐसा है जिसको लोग देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, और इसलिए जब देश के हित में कोई मुद्दा होता है, विषय होता है, तो बिंदास बोल में हम उसको लेकर आते हैं। जी हाँ, मुद्दा है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। पहले तो यह विरोध पार्टी के बाहर से हो रहा था, अब पार्टी के अंदर से ही हो रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी का इस तरीके का विरोध सही है, खास करके जब देश में किसी भी नेता के बारे में लोगों के मन में ये इतनी अच्छी भावना ना हो, बल्कि नेता को लोग चोर समझते हो, डकैत समझते हो, डकैतों की टोली समझते हो, ऐसे समय में किसी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी राजनेता को राजनीतिक दल से, अपने दल के, बाहर के दल के और गैर राजनीतिक लोग भी जब देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ऐसे में उसका विरोध जब होता है और अपनी ही पार्टी से होता है, तब उस पर चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए कि पार्टी अपना हित देखती है, पार्टी के अंदर के कुछ लोग अपना हित देखते हैं या देश का हित देखते हैं। खास करके भाजपा जैसी राष्ट्रवादी पार्टी के बारे में जब यह मुद्दा उठता है तो यह मुद्दा देश में खुलेआम चर्चा का जरूर बनता है। आइए आज के बिंदास बोल में इसी पर हमको बात करनी है। आपको हमेशा की तरह अपनी बेखौफ प्रतिक्रिया देनी है। मुद्दा पहले देखते हैं। मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए नेता हैं। इस बात को कहने में आखिर बीजेपी क्यों हिचक रही है, ये सवाल आज हर पार्टी कैडर पूछ रहा है। अब बीजेपी के पास ऐसा कोई मौका भी नहीं गया है ताकि वह ये कह सके कि मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे। दरअसल बीजेपी में मोदी का कोई विरोध ही नहीं है, ये आने वाले दिनों में और साफ हो जाएगा और कुछ हद तक हो भी चुका है। जिस प्रकार से मोदी को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनाने के लिए पीएम के नारों की गूंज हर ओर आज सुनाई दे रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हों, और ये पूरे देश की मांग है, एक एक बच्चे की मांग है, उससे लगता है कि मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी मोदी। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में फिर नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों? मोदी आज की तारीख में देश के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। मोदी के मॉडल में नया मध्यम वर्ग है, शहरी मतदाता है और चकाचौंध भी है। साथ ही मोदी के मॉडल हिंदुस्तान की आत्मा के कहीं अधिक करीब दिखते हैं। वहीं अगर नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश बिहार से आते हैं और उनका वोट बैंक अल्पसंख्यक वर्ग है, जो कभी लालू यादव के जिताऊ समर्थकों में से था। ऐसे में अपनी जमीन बचाने के लिए नीतीश कुमार कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, मगर यहां कांग्रेस का वजूद लगभग खत्म है। नीतीश को समर्थन देने पर कांग्रेस सेकुलरवाद के साथ साथ विकास को प्राथमिकता देने का नाटक भी कर सकती है। हालांकि तीसरे मोर्चे की नौबत आने पर नीतीश को मुलायम सिंह यादव से चुनौती मिलेगी। ऐसे में मोदी का ये विरोध नीतीश कुमार के आने वाले दिनों में और मुसीबतें बढ़ा सकता है। वहीं एनडीए की घटक दल शिवसेना मराठी हिंदू वोटरों की राजनीति करती रही है। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार के तौर पर पेश करती रही है। ऐसे में छवियों का टकराव शिवसेना और मोदी के बीच तल्खी की एक वजह बताया जा रहा है। मोदी की अगुवाई में अगर बीजेपी 180 के आंकड़े तक भी पहुंचती है तो नए सहयोगी साथ आ खड़े हो सकते हैं, और मोदी को लेकर फिलहाल राजनाथ गोवा अधिवेशन में इसी बिस्तार को बिछाना चाहते हैं, जिससे संकेत यही जाए कि मोदी के विरोधी राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी चुनावी लड़ने के लिए हो सकती है। लेकिन चुनाव के बाद अगर बीजेपी सत्ता तक पहुंचने की स्थिति में आती है तो सभी बीजेपी के साथ खड़े ही होंगे। साथ ही मोदी बेहद दृढ़ संकल्प व्यक्ति हैं और जिस चीज को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यही सब कारण है कि मोदी हिंदुत्व अस्मिता के पहचान बन चुके हैं और मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि फिर नरेंद्र मोदी का विरोध आखिर क्यों?
नरेंद्र मोदी खास करके ऐसे समय में उभर कर आए हैं जब देश में नेतृत्व का अकाल दिखाई दे रहा है और नेतृत्व इतना वीक है, इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि देश ही नहीं आसपास में सारे छोटे छोटे पड़ोसी भी भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस देश में अगर कोई नेता सामने आशा बनकर उभर रहा है तो उसके साथ तो विरोधियों ने भी आना चाहिए, लेकिन अपने ही पार्टी के लोग जब विरोध करते हैं तो इस पर चर्चा होना जरूरी है। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। मैं पश्चिम बंगाल हबड़ा से बोल रहा हूँ, संजय उपाध्याय। बोलिए संजय जी। आज आडवाणी जी अस्वस्थ हैं, वे स्ट्रेचर पे लेटकर कार्यकारिणी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। मीडिया ने इसे अनावश्यक तूल दे रखा है। हाँ। और संक्षिप्त में विषय को रखना चाहता हूँ। आज धर्मनिरपेक्ष लोगों का विरोध एक साजिश है, क्योंकि 2002 के बाद गुजरात में कोई दंगे नहीं हुए। आबादी के प्रतिशत के हिसाब से मुसलमान सब राज्यों से अधिक सरकारी रोजगार में है, यहाँ शांति से है। आपके ही चैनल पर गुजरात अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का इंटरव्यू धर्मनिरपेक्षों का आँख खोलने के लिए काफी है। आज भारत पूरी तरह से एकांत है। आज भारत की आर्थिक, वैदेशिक और आंतरिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा भारत को एक सशक्त नेतृत्व मिले जिससे उसकी धौंस खत्म हो जाए और उसका बाजार उसके हाथ से निकल जाए। आज वही कांग्रेस नहीं चाहेगी नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव की जुगलबंदी से देश का काला धन जो विदेशों में बैंकों में जमा हुआ भारत आए। और कांग्रेस ने देख लिया है कि जिस तरह से गुजरात से कांग्रेस पूर्णतया सफाया हो गया, उसी फार्मूले में पूरे देश में कांग्रेस का सफाया न हो जाए, और कांग्रेस इसका जमकर इसलिए विरोध कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। नरेंद्र मोदी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रखर राष्ट्रवादी हैं। हाँ। बार बार गुजरात के दंगों का हवाला देकर मोदी को सांप्रदायिक करार दिया जाता है। क्या इसके पहले गुजरात या देश के अन्य प्रांतों में दंगे नहीं हुए या नहीं होते? उन दंगों का जिक्र क्यों नहीं होता? और उन दंगों के लिए तथाकथित सेकुलरवादियों ने आज तक क्या किया? देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा राजीव गांधी के वक्त हुआ था, जब सिखों का कत्लेआम पूरे देश में हुआ था, उन सिखों का जिनके गुरुओं ने देश के लिए बहुत कुर्बानी दी थी। सर, यह सब कांग्रेस और विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित है, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान एक सफल राष्ट्र बने, हिंदुस्तानी खुद पर विश्वास करना सीखे, क्योंकि नमो इस देश में एक ऐसे क्रांति का प्रतीक है जिसमें कांग्रेस का ऑटोमेटिक ठीक नहीं बैठता। कांग्रेस जानती है कि नमो के नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत युद्ध प्रणाली अपना हथियार विकसित करने लगेगा। विदेशी भी यह जानते हैं कि भारत अगर खुद का हथियार विकसित करने लगा, भारत खुद पर निर्भर रहने लगा, तो हमारा सामान कौन लेगा? चाइना यह जानता है कि आज हमने अपने सामानों से भारतीय बाजार को पाट दिया है, और अगर जो है कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति बैठ गया तो जो है हमारे इन मालों का क्या होगा? बिल्कुल एकदम। देश के ऐसे दुश्मन पड़ोसी जो है वो कैसे चाहेंगे कि ये देश मजबूत हो, वो कैसे चाहेंगे कि यहाँ पर सक्षम नेतृत्व आए, वो कैसा चाहेंगे कि भारत आगे बढ़े? और उनका इरादा तो है, वो तो विरोध करेंगे ही। हम ये मानते भी हैं कि विरोधी विरोध करेंगे, लेकिन अपने क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अगले कॉलर। जय हिंद। शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया। हम कारण दिखाते हैं आपको कि हम आपको ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। देखिए आपके सामने। भाजपा नेताओं का जनता की नब्ज को ना पहचानना। भाजपा के वरिष्ठ नेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज भाजपा का सर्वमान्य नेता कौन है। अगर भाजपा नेता अपने सर्वमान्य नेता को पहचान पाते तो भाजपा में ऐसा विरोध नहीं दिखता। नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षाएं। कई वरिष्ठ नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जिनका आम जनता में कोई खास रुतबा भी नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी का खुद को राजनीति में सक्रिय दिखाना। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने भाजपा को खड़ा करने में जो योगदान दिया है उसे कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति में अपना कद नहीं बढ़ा पाए। सेकुलरिस्टों का मोदी को सांप्रदायिक बताना। देश में सेकुलर जमात के नेता मोदी को सांप्रदायिक बताकर उनका विरोध करने में लगे हुए हैं। लेकिन गुजरात में मोदी ने हर समुदाय का वोट पाकर सारे सेकुलरिस्टों को करारा जवाब दे दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में मोदी की लोकप्रियता को ना समझ पाना।
नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मोदी के नाम पर यूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है। ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को समझ नहीं आ रही। कॉलर के पास चलते हैं। जहीन बोलिए। हेलो। हाँ जहीन बोलिए। जहीन सर क्या कहेंगे? सर ये मैं वरिंदर बोल रहा हूँ जम्मू से। ये अडवाणी अपने आप को क्या समझते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? एक टांग तो इनकी कवर में है, एक बाहर है। इनको पता 3% मेरे साथ लोग नहीं है। ये प्रधानमंत्री के क्या सोच रहा है, किस लिए सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसको प्रधानमंत्री बनने के लायक है जे। धन्यवाद, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जहीन देखो, मेरा ये मानना है, तमाम देशवासियों से ये मेरी अपील है। हाँ। कि हमारे लिए एक सूत्र होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, हाँ, ये एक किस्म की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की है, इसी वजह से भी है। क्योंकि कांग्रेस में जो है वो परिवाद है, वहां राजाशाही है, जबकि यहाँ व्यक्ति के चयन में, वडाप्रधान के चयन के लिए, उम्मीदवार के चयन के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पास होना पड़ता है। इसलिए अभी हमारे कुछ शीर्ष नेता जो है, हो सकता है कि इसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से समग्र भारत के अंदर, समग्र भारत की प्रजा का प्रियता नरेंद्र भाई की जो मीडिया में सारी की एजेंसियों के रिपोर्ट आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सत्ता पक्ष में होने के बावजूद राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या मनमोहन सिंह हो, इन तमाम की लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भारतवासियों में दुगनी है, डबल है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब यही सोचना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। जाता है तो ये बहुत बड़ा संदेश होगा भारतीय भारत समक्ष, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को और एनडीए होगा। बिल्कुल, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि खास करके नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले कहते हैं कि मुसलमानों के वोट कटेंगे नरेंद्र मोदी आने के बाद। आप एक मुस्लिम धर्म गुरु हैं, लाखों आपके समर्थक हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, मैं समग्र भारत वासियों से ये कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी को एंटी मुस्लिम कहने के बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये गुजरात के मुसलमानों का अपमान है, क्योंकि 2010 के इलेक्शन से लेकर अभी तक स्थानीय स्वराज्य के इलेक्शन में 250 में ये चैलेंज है पार्टी से, तमाम एजेंसी से, कि जो विकास और जो शांति और सुशासन नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में दी है, भारत के किसी भी स्टेट में मिनिस्टर के नहीं दे पाए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता कह रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आप थे संत महबूब अली चिश्ती जी, जो गुजरात से है और बड़े सूफी संत है, मुस्लिम समुदाय के लाखों लोग इनके अनुयायी है, और ये खुद आगे आकर इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये सेक्युलरिस्टों का एक तरीके से बेनकाब उनको कर रहे हैं। अगले कॉलर के